आज अलीगढ़ में सपा बसपा और रालोद गठबंधन का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोकसभा चुनावों के प्रत्याशी की घोषणा की गई। महागठबंधन से अलीगढ़ सीट बसपा के खाते में थी, जिस पर गुरुवार को अलीगढ़ से अजीत बालियान को लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन में सपा बसपा और रालोद के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सपा के जिला अध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के मन के अनुरूप किया गया है। कार्यकर्ता चाहते थे कि यूपी की तस्वीर बदलने के लिए दोनों बड़ी पार्टियों के बीच गठबंधन होना चाहिए, जिससे यूपी का संपूर्ण विकास हो सके। आज समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो पिछले दिनों हमारा गठबंधन हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसमें अलीगढ़ के प्रत्याशी की आज घोषणा की जानी है। संभवतः अजीत वालियान, जो अलीगढ़ के ही निवासी हैं, बहुजन समाज पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने यह तय कर लिया है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में अजीत बालियान को चुन करके भेजा गया।